पहले ही बता दे बच्चों और बूढ़ों को इस वीडियो से दूर रखिएगा, क्योंकि इसमें अश्लीलता की हद पार होने वाली है। और शादीशुदा मर्द तो खास कर छुपके देखिएगा, बीवी के हद पे चढ़ गए तो उसका रिस्क हम नहीं लेंगे। और कृपया करके एयरफोन नामक उस हथियार को अपने दोनों कान के छेदों में गाड़ दो। तो शुरू करने से पहले जान लीजिए हमारे बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किरण की आर्ट। वैसे तो हर युग के हर मर्द की कोई ना कोई अप्सरा तो होती है, बस फर्क ये है कि अभी के लोग उसे ड्रीम गर्ल बोलते हैं और तब के लोग उसे अप्सरा बोलते थे। तो मैं लेके आया हूँ ऐसी ही किसी एक अप्सरा की कहानी, जिसका नाम है पहले ही बता दूँ ये जो मैंने पेंटिंग बनाई है ये वाटर कलर मीडियम में बनाई है। हाँ, वैसे शॉर्टकट मारने के लिए मैंने अभी जो बैकग्राउंड में कलर मारा है वो एक्रेलिक कलर से मारा है। इस धोखे के लिए आप हमको गालियाँ भी बक सकते हैं कमेंट में। अब बात करें अगर उर्वशी की, उर्वशी जो है देवलोक की यानी कि इंद्र के राज्य की जितनी भी अप्सराएं हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर है। जैसे हमारे यहाँ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया कहा जाता है, वैसे ही उसको मिस देवलोक कहा जाता है। शुरुआत ऐसे हुई कि जो वहाँ के रिपोर्टर थे नारद मुनि, वो इंद्रदेव के साथ कुछ बातें कर रहे थे। रांची से अंदरून मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार। और उसमें पुरुरवा नाम के एक राजा की गाथाएं सुना रहे थे कि वो कितने सुंदर है, कितने हैंडसम है, कितने है, वो है फलाना डिंका। और उसी समय उर्वशी भी अपना लाइव शो कर रही थी, मतलब डांस कर रही थी, तो वो डांस करते करते सुन लेती है और इसी समय उससे प्यार भी कर बैठती है। भाई किसी के बारे में सुन के कौन प्यार करता है। फिर उर्वशी मैडम को काफ़ी बोरिंग लगने लगा इंद्रलोक में, मतलब इतनी अच्छी जगह, सुंदर जगह, सब कुछ अवेलेबल, वहाँ पे भी बोरिंग लगने लग जाता है इंसान को। कब तक इंसान इतने सुख सुविधाओं के साथ रहेगा। अब किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस इंसान को बोरिंग तो लगने लगेगा ही। फिर वो हमारे अर्थ में आके लैंड करती हैं ताकि अर्थ में घूम सके, और मैडम को अर्थ अच्छा लग गया क्योंकि उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी भी कभी कभार चाहिए होती है। फिर उर्वशी मैडम जब वापस अपना रिटर्न टिकट करवा रही होती है देवलोक में, तभी एक राक्षस यानी कि असुर यानी कि उस जमाने के शक्ति कपूर की नज़र उन पर पड़ जाती है और उनका हरण कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं। थक्की टिक्की, थक्की टिक्की, थक्की टिक्की, थक्की टिक्की। फिर हमारे महाराज पुरुरवा उस राक्षस को देख लेते हैं स्त्री का हरण करते हुए, तो आ जाते हैं हीरो की तरह एंट्री मार के। फिर झगड़ा होता है दोनों के बीच में काफी भयंकर, फिर गर्दन काट के फेंक देते हैं राक्षस का जमीन पे। Oh, look at me. I'm all dead. I'm a gross, scary, severed head. Come on, please. Do you know who I am? I'm Miss Teen. You're really giving me a headache. And you got blood all over my Gucci sweater. I hope you're gonna pay for that. I will not. फिर हमारी मैडम उर्वशी जैसे ही पुरुरवा को देखती हैं तो उनके दिल में तो मौजा ही मौजा हो जाती है। मतलब किसी के बारे में जब सुना हो और वो सामने से और भी ज्यादा हैंडसम निकले तो मन में तो लड्डू फूटेगा ही। और हमारे पुरुरवा महाराज भी उर्वशी को देख के लबेट फर्स्ट साइड में हो जाते हैं और भैया महाराज देखते ही उनको प्रपोज कर बैठते हैं, विल यू मैरी मी। और सलाह हम सोचते थे कि सिर्फ हमारे जमाने के लोग ही फास्ट हैं, मतलब उस जमाने में भी ये सब होता था। और हमारी ब्यूटी क्वीन वो भी अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रही है, लेकिन शक्ल पे बिल्कुल नहीं दिखा रही। भाई इतनी सुंदर है, थोड़ा तो एटीट्यूड रहेगा, चलो इतना एटीट्यूड तो बनता भी है। अब थोड़ा देर रिक्वेस्ट करने के बाद मैडम भी मान जाती है। अब कितना लंबा खींचेगी इस बात को। अब मैरिज के लिए तो मैडम ने हाँ बोल दिया, लेकिन मैरिज करने के लिए भी दो शर्त रख दी सामने। सरप्राइज मदरफकर। तभी मैं बोलूं इतनी साफ सुथरी तो हो नहीं सकती, भाई लड़की है आखिर कुछ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ा करेगी, नखरे तो होते ही हैं इनके। अब उर्वशी के पास दो मेमने थी यानी कि भेड़ों के बच्चे, और वो उनको अपना बच्चा मान देती। और पहली शर्त ये रखी कि उनके मेमनों को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी हमेशा रक्षा करनी पड़ेगी आपको, मतलब ये कि उन मेमनों का मटन बिरयानी कभी नहीं बनना चाहिए। और दूसरी शर्त ये रखी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, रात को भी जब मेल मिलाव हो, कुछ भी कैसे भी हो, लेकिन एक दूसरे को हम बिना कपड़ों के नहीं देखेंगे, और अगर गलती से भी देख लिए तो वो स्वर्ग में सीधा सीधा टेलीपोर्ट हो जाएंगी और दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, मतलब अब आपको बिना देखे ही काम करना पड़ेगा। भैया ऐसा किसी के साथ ना हो,
मतलब जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो और आप उसको देख भी नहीं सकते। रियली फीलिंग बैड फॉर यू मिस्टर पुरुरवा। लेकिन भैया हमारे पुरुरवा महाराज भी जोश जोश में हाँ बोल देते हैं कि हम इन शर्तों का पालन करेंगे। अब भैया इतनी सुंदर लड़की कौन छोड़ना चाहता है। मतलब देख रहे हो लड़कियां कितनी चालाक होती हैं, मतलब अपने हुस्न का इतना अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। और साले लड़के इतने बेवकूफ होते हैं, इतना हैंडसम हो के भी इन लोग का कट ही जाता है। हम तो भैया कभी नहीं फंसेंगे इन लड़कियों के हुस्न के जाल में, लेकिन पहले कोई लड़की तो हम पे ट्राई करे, साला यही पे तो हमारी बेइज्जती हो जाती है। अब अगर पेंटिंग की तरफ थोड़ा नज़र मार ले, जो पेंटिंग में मैंने पिलर बनाया है इसमें वाटर कलर के टोटल 5 लेयर मारे हैं मैंने। पहला लेयर जो है वो एकदम पानी ज़्यादा मिला के पतला करके येल्लो ओकर मारा था मैंने, और सेकेंड लेयर में मैंने सेपिया थोड़ा सा येल्लो ओकर में मिक्स करके पानी कम मिला के ज़्यादा करके गाढ़ा करके मारा है मैंने, और थर्ड लेयर में क्रिम्सन लेक येल्लो ओकर और सेपिया तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके मैंने जगह जगह पे मारा है जहाँ जहाँ पे शेडो शेडो थोड़ा दिखता है, और चौथा लेयर जो है वो मैंने ड्राई ब्रश से जहाँ जहाँ पे मतलब लाइट गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहता है वो जगह का कलर को मैंने वापस खींच लिया है, और अब बोले तो लास्ट लेयर यानी कि पांचवा लेयर जो है वो मैंने डायरेक्ट शेडो बनाया है जहाँ पे पूरा ही डार्क रहता है, उसमें थोड़ा सा पेंस ग्रे सेपिया के साथ मिक्स करके मार दिया। और अभी जो बालकनी में आप बैरियर जो देख रहे हैं उसमें भी मैंने सेम ही प्रोसेस यूज़ किया है जो हमने पिलर में यूज़ किया है। अब लौटते हैं कहानी की तरफ। अब राजा पुरुरवा और उर्वशी दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं, और इनकी प्रेम की कहानियां हर जगह उमड़ रही है, मतलब इतनी शर्तों के बाद भी इनका प्यार बिल्कुल नहीं अटका है, मतलब अच्छे से उमड़ रहा है अंधेरे में भी, मतलब इनकी प्रेम की जो कहानियां हैं ये हर जगह फैल रही है, मतलब सबके मुंह में इन दोनों की लव स्टोरी है, यहाँ तक कि इंद्रलोक देवलोक में भी जाके पहुँच गई इनकी कहानियां। अब यहीं पे एंट्री हो जाती है कहानी के विलन की, यानी कि हमारे प्रिय इंद्रदेव। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। ये आ गया अभी कहानी का क्लाइमेक्स, इसको हम थोड़ा बाद में सुनाते हैं, तब तक चलो पेंटिंग के बारे में थोड़ी बात कर ले। अब आप देख ही रहे होंगे बिस्तर में जो हमने बेडशीट बिछा के रखा है उसमें अभी डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हम डिजाइन वाला काम कर लेते हैं, मंडला वंडला बना के उसमें डायरेक्ट हम येल्लो कलर से मार रहे हैं, और बेडशीट के कपड़े का कलर हमने पुरशियन ब्लू में थोड़ा सा क्रिम्सन लेक मिक्स करके ज़्यादा गाढ़ा करके मारा है, पानी कम मिलाया है मतलब, और बिस्तर में जहाँ पे ब्राइट एरिया है यानी कि जहाँ पे लाइट गिरती है वहाँ पे हमने कम कलर मारा है, और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट रहता है वो ड्राई ब्रश से वापस खींच लिए हैं, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे सीधा डायरेक्ट कलर मार दिए। तो अभी आते हैं उर्वशी के ऊपर। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, काफ़ी चुल मच रही है तुम्हारी। पहले ही बता दूँ ये सिर्फ पेंटिंग है, अंदर में कोई भावनाएं वावनाएं मत जगा बैठना। अब बॉडी में जो कलर यूज़ किया है वो सेपिया और येल्लो ओकर मिक्स करके किया है, मतलब सेपिया थोड़ा ज़्यादा येल्लो ओकर थोड़ा कम, और खबरदार जो उसके बॉडी पे गंदी नज़र दी। तो अब इस हुस्न की मलिका के बालों में सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया है और वो है पेंस ग्रे, और पेंस ग्रे के मैंने 3-4 लेयर मारे, मतलब पहला सबसे पतला, दूसरा मैंने थोड़ा उससे ज़्यादा गाढ़ा, तीसरा उससे ज़्यादा गाढ़ा, मतलब थोड़ा अश्लीलता को कवर करते हुए इसके ऊपर में कपड़ा भी दिया है हमने ब्लू कलर का, और कपड़े में जो कलर यूज हुआ है उसका नाम है पुरुषन ब्लू, और पुरुषन ब्लू के टोटल 2 ही लेयर मारे हैं, एक पतला फिर डार्क। तो अभी आते हैं राजा पुरुरवा के ऊपर। हाँ, अभी तो सभी लड़कों ने मोबाइल साइड में कर दिया होगा, अब लड़कों को थोड़ी ना लड़कों से मजा मिलता है। अब पुरुरवा के बॉडी में मैंने सिर्फ एक ही कलर यूज किया है और वो है सेपिया, और सेपिया में बस हल्का सा येल्लो कर मिक्स किया है, और महाराज की दाढ़ी और बालों में मैंने सिर्फ 2 ही कलर मिक्स करके यूज किया है, यानी कि पेंस ग्रे और सेपिया, और तकिए और कंबल में मैंने क्रिम्सन लेक यूज़ किया है, और आपको पता ही है कैसे करना है, इतना देर तो वही बक रहा था कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं वापस कहानी पे। अब इंद्रदेव जो है वो सुनते हैं जो उनकी कहानियां हैं प्रेम की, तो उनका टेंपर हाई हो जाता है, अब वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ की लड़की धरती पे जाके इतने कांड मचा रही है। फिर इंद्रदेव जो है वो अपने असिस्टेंट यानी सैनिक वगैरह को भेजते हैं जाके उर्वशी के बकरियों को चुराने के लिए, और चुराने का टाइम भी ऐसा चूज करते हैं जब दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ मतलब संभोग कर रहे होते हैं। अब बकरिया को चुराते हुए बकरिया भी आवाज़ कर बैठती हैं, और यही सुन के उर्वशी और राजा पुरुरवा भी उठ जाते हैं और चद्दर से निकल पड़ते हैं, और तभी हमारे इंद्रदेव यानी कि मास्टर माइंड यानी कि मेगा माइंड के भी बाप आकाश में बिजली कड़का देते हैं। अब अंधेरे में अचानक से कोई लाइट जला दे तो सब कुछ तो दिख ही जाता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे सब देख लिए, और ना चाहते हुए बेचारी उर्वशी को देवलोक में टेलीपोर्ट होना पड़ता है।
किसी ने सच कहा है, दो प्यार करने वालों के दुश्मन बहुत होते हैं। हाँ, काफी टाइम तक रोना धोना तो चलता है, लेकिन इंद्रदेव भी दया करके उर्वशी को वरदान दे बैठते हैं कि आप हर साल में एक बार मिल सकती हैं। अब मतलब साल में एक बार वो जम के पूरा साल का भड़ास निकालते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहीं पे हो जाती है हमारे इस प्रेम कहानी का अंत। अब हम आपको दिखाते हैं इस पेंटिंग का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये वीडियो तो पसंद आया ही होगा और पेंटिंग तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर नहीं आया तो भैया आपसे ज्यादा अकेला इस दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा उस घंटे को भी दबा दीजिए और उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसको भी दबा दीजिए प्लीज। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए किरण की आर्ट।